हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इको प्लेनेट चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, हाउ टू मेंटेन टेम्परेचर इन विंटर। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि कुछ ही दिनों में विंटर सीजन आ रहा है। हमारे यहाँ खासकर के रात के टाइम टेम्परेचर लो हो जाता है, इसलिए पहले से आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए। आपके पास हीटर है तो टैंक में लगा देना चाहिए, और नहीं है तो शॉप से ले आइए फ्रेंड्स, या ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं आप। आपके टैंक के हिसाब से कितना वाट होना चाहिए। इस टेम्परेचर लो होने के कारण आपके फिश को बीमारी हो सकता है, और इसके कारण आपको फिश का डेथ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए इस विंटर सीजन में, बी प्रिपेयर फॉर विंटर सीजन। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको आप खोलते हैं। और जो मेरा पहले का है, जो गर्मी का सीजन था उसी टाइम मैंने क्लीन करके उसको रख दिया था। अब जो ठंड का मौसम आ गया है, इसके लिए मैं ये टैंक में इंस्टॉल कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप जो क्लिप है उसको आप ऊपर लगाएंगे, क्योंकि जो नीचे का जो पोर्शन है वहाँ हीट होता है, इसलिए हम जो क्लिप है वो ऊपर में लगाएंगे। फ्रेंड्स, जो नीचे लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर गर्मी होकर वो ब्रेक हो सकता है, इसलिए आप ऊपर में लगाएंगे। ये ऊपर लगाना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए उसको, उसका जो टेम्परेचर है वो भी मैं 28 पे रख दूंगा, क्योंकि जो टैंक का, फिश टैंक का जो आइडियल टेम्परेचर है, और 28 से 26 या 27 या 28 रख सकते हैं आप, वो आइडियल टेम्परेचर है फिश के लिए। ये मैं 28 पे रख दूंगा फ्रेंड्स, और इंस्टॉल कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह जो ऊपर का नॉब से उसमें है जो दिया हुआ है टेम्परेचर, मैं उसको 28 पे रख दूंगा। देखिए इस तरह। और फ्रेंड्स, देखते देखते यही बोलूंगा फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल का एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए, उसको आप 28 पे रख दिया हो। और ये जो हीटर है वो ऑटोकाट वाला हीटर है, जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर हाई होने पर, 28 होने पर वो ऑफ हो जाएगा। ऐसा ही आपको लेना चाहिए फ्रेंड्स, ऑटोकाट वाला, नहीं तो आपका पानी गर्मी होता ही रहेगा लेकिन ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगा। देख के लीजिए फ्रेंड्स शॉप से। तो चलिए, आप जो 3 फीट का जो टैंक है उसमें मैं 150 वाट, ये देखिए 150 वाट का मैं हीटर लगाऊंगा। वो भी मेरा पहला का था, वो भी मैंने पैकिंग करके रख दिया था गर्मी के टाइम। तो चलिए, उसको भी आप हम इंस्टॉल करेंगे और टेम्परेचर भी कर देंगे। ये देखिए, पहले की तरह मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ क्लिप्स, देखिए। और उसका टेम्परेचर भी 26 या 28 पे रख दूंगा, देखिए 28 पे रख दिया है। तो चलिए, उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे फ्रेंड्स। और मेरा जो मेरा टैंक है, प्लांटेड टैंक या गप्पी टैंक, उसमें 50 वाट और 70 वाट का हीटर लगा दूंगा। तो चलिए, वो भी दिखाता हूँ। और मेरा और दो हीटर है, मैं पहले से उसको ला के रख दिया हूँ, देखिए, क्योंकि ख़राब होने से मैं फिर से लगा सकता हूँ, इसलिए ये देखिए 50 वाट का। तो चलिए, उसको अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए 300 वाट का हीटर, जो बड़ा वाला सोबो का है। तो चलिए, उसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, उसको आप जब भी लगाएंगे पूरा सीधा लगाएंगे, क्योंकि आपको ये नीचे भी नहीं लगाना है और थोड़ा टेढ़ा करके भी नहीं लगाना है, सीधा करेंगे तो अच्छा चलेगा। और उसका मेरा जो हीटर है वो लगभग 1 ईयर्स हो गया है, लेकिन अच्छा चल रहा है। इस तरह आपको लगाना चाहिए पूरा सीधा करके, यही राइट पोर्शन है लगाने का। और नीचे लगाएंगे तो क्या होगा, जो बड़ा जो आपका फिश है, मेरा तो ऑस्कर है, वो ब्रेक भी कर सकता है, इसके लिए मैं ऊपर में लगा दिया हूँ। तो चलिए, दूसरा वाला जो मेरा 3 फीट का टैंक है उसमें भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 150 वाला वाट का है,
उसको भी मैं सीधा ही लगाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह। और फ्रेंड्स इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो थर्मोमीटर है वो भी आपको रखना चाहिए, डिजिटल या जो ग्लास का आता है वो आपको रखना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो टेम्परेचर है आपको उसमें ही पता चल गया कि कितना हुआ। इस हीटर के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ये चलता ही जाएगा और ऑफ भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपको एक टेम्परेचर का जो हीटर है वो लेना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए उसको भी हम इंस्टॉल कर लिए। तो चलिए प्लांटेड टैंक में हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए ये भी पूरा सीधा करके लगाया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स हम प्लांटेड टैंक में भी इंस्टॉल कर लेते हैं। उसका जो हीटर है वो 75 वाट का हीटर है। तो चलिए उसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं, वो भी पूरा सीधा ही लगाएंगे। उसका जो मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है वो 26 में है, क्योंकि जो बेटा फिश है और मेरा जो प्लांट है वो 26 में अच्छा ही ग्रोथ करेगा, इसके लिए मैं 26 पे लगा दिया हूँ। तो चलिए उसको इंस्टॉल कर लेते हैं पूरा सीधा करके। तो चलिए ये भी हो गया। देखिए फ्रेंड्स मेरा जो प्लांट है उसमें आइडियल टेम्परेचर 26 में अच्छा ही होगा। जो रोटेला है, जो लुडिगा है, और उसका आइडियल टेम्परेचर है 26, और सब प्लांट के लिए 26 और फिशकल भी लिए 26 होना चाहिए, 26 या 28, और उसका लिए इसके लिए अच्छा ही होगा। तो चलिए ये भी इंस्टॉल हो गया। और देखिए फ्रेंड्स अब चलिए फ्रेंड्स हम जो गप्पी टैंक है, नैनो गप्पी टैंक, उसमें लगा देंगे। ये देखिए पहले से मैं लगा दिया हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये 50 वाट का है। तो फ्रेंड्स विंटर सीजन में आपको ऐसे ही फिश के केयर करना है और हीटर लगा देना है आपका टैंक में। इस वीडियो से आपका कोई भी हेल्प होगा तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप एंजॉय द वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।